नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। इटावा पुलिस ने दो अभियुक्तों के कब्जे से चरस, पुलेट, मोबाइल व दो तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में एसओजी सर्विलांस टीम और थाना बकेवर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई बड़ी कार्यवाही। जनपद में रात्रि के समय एसओजी सर्विलांस टीम और थाना बकेवर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रांतर्गत इंद्रौसी बम्बा पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान निवाजी कला की ओर से आ रहे मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो पीछे मुड़कर भागने लगे तथा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा करते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर इंद्रौसी बम्बा पुलिया के पास से समय 3:40 और दो अभियुक्तों को पुलिस से मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभियुक्तों की पुलिस टीम द्वारा तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से दो तमंचा, 315 बोर, 4 जिंदा, 1 मिस कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 315 बोर तथा 920 ग्राम चरस बरामद की गई है। जिसके संबंध में कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग जनपद में विभिन्न स्थानों पर चरस बेचकर धन लाभ अर्जित करते हैं तथा असलहा अपनी सुरक्षा हेतु अपने पास रखते हैं। गिरफ्तार अभियुक्त आशीष जाटो पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी आश्रा नगरिया थाना अछलदा जिला औरैया तथा 28 वर्षीय पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर उर्फ पप्पू पुत्र जगपाल सिंह सेंगर निवासी बरुआ थाना बिदुना जनपद औरैया के निवासी है। पुलिस द्वारा बताया गया पुष्पेंद्र का आपराधिक इतिहास है। देखिए दिलीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए थाना बकेवर जनपद इटावा में दो मुजरिम मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए हैं और इनके पास से 2 315 बोर का तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल, 920 ग्राम चरस अवैध बरामद की गई है। साथ ही साथ इन्होंने पुलिस पर फायर भी किया था लेकिन पुलिस ने आवश्यक बल करके इनको 3:40 पर गिरफ्तार किया है बकेवर थाना अंतर्गत। और इनसे जब पूछताछ की गई, इनका नाम आशीष और पुष्पेंद्र जो कि क्रमशः अछलदा और औरैया जनपद के रहने वाले हैं तथा ये दोनों शातिर बदमाश हैं। इनके कई बार इनके द्वारा लूट और जो है NDPS के तहत जो चरस और गांजा का जो बिजनेस होता है वो करने की बात सूचना मिलती रहती है। कई बार इन पर ये भी आरोप लगा है कि ये छोटी छोटी लूटें करते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं किसी का। कई बार लोग कंप्लेन भी नहीं करते हैं इनके इन घटनाओं के करने के बाद, लेकिन पुलिस को एक टिप ऑफ मिला था बकेवर पुलिस को जनपद इटावा में, जिसके आधार पर पुलिस इनके 3:40 प्रातः जो इनको पीछा कर रही थी तथा इन्होंने फायर किया पुलिस पर, जिसके बाद पुलिस ने आवश्यक बल लगा कर इनको गिरफ्तार किया है। जिसके आधार पर इनके खिलाफ 8/20 NDPS एक्ट का, 307 IPC का मुठभेड़ का अभियोग भी दर्ज किया गया है तथा इनका पुष्पेंद्र का आपराधिक इतिहास भी इससे पहले भी है जनपद औरैया में, और आशीष के बारे में भी अभी इसके आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है तथा इनको नियमानुसार गिरफ्तार करके जो हमारी बकेवर की पुलिस है सर्विलांस एसओजी प्रभारी तथा जो वहां के थानाध्यक्ष हैं बकेवर के, उनकी संयुक्त अभियान द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया है तथा नियमानुसार जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ मेरे द्वारा पुलिस टीम को 10,000 रुपये इनाम की घोषणा भी की जा रही है। अभी तक जो सूचना मिली है, जो पूछताछ की गई है, जो जानकारी की गई है, उसके आधार पर 2 और 3 अभियोग दर्ज करने की जो सूचना मिली है, बाकी और भी तफ्तीश पे की जा रही है। और साथ ही साथ ये क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार के जो जहां से नशे के सामान आते हैं उनसे ये ला करके यहां पर इटावा में बेचने का प्रयास कर रहे थे, जिसके आधार पर गिरफ्तार कर जल्दी निकाल रही थी। सर, जो चरस पकड़ेंगे उसकी अनुमानित कीमत क्या होगी? चरस की कीमत लगभग जो है 1,00,000 के आसपास है और उन्हें गिरफ्तार करके जल्दी कार्रवाई की जा रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।